हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ डेन डिजिटल पोर्टल की फुल ट्रेनिंग सारे ऑप्शन के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 1 घंटे का वीडियो है, बट मैंने इसमें आपको सभी कुछ सिखाने की कोशिश की है। तो गाइज़, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूंगा, आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका दोस्त सैफ खान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके टेक लर्न पर। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हमें अपना पोर्टल लॉगिन करना है। पोर्टल का लिंक सबको मालूम ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। डेन डिजिटल डॉट डेन ऑनलाइन डॉट इन, ये हमारा लॉगिन पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पर अब हम अपना यूजर आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड डाल देते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपको पासवर्ड मतलब डाल के गलत शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे आना होगा और यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना होगा। जैसे सपोज ये यूजर नेम है हमारा, ठीक है, यही हमें यहाँ सेम टू सेम एंटर करना है और यहाँ से इसको रीसेट कर देना है। रीसेट करने से क्या होगा, आपका जो पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। जो आपका नया पासवर्ड होगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। अब हमें इसको लॉगिन करना है। ये देखिए, हमारा ये पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब आपको लैंडिंग पेज नजर आ रहा होगा, इसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है गाइज। अब पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हम अपने एक्टिव और इनएक्टिव बॉक्स, उनका टोटल, फ्री इन्वेंट्रीज और वीसी एक्सपायरिंग देख सकते हैं। लाइक आप अपने एक्टिव बॉक्सेस देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके एक्टिव वीसीज विद एसटीबी आईडी शो हो जाएंगे आपको, ये देखिए, ठीक है। इसकी हम एक्सेल फाइल भी जनरेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, अगर आप करना चाहें। ये आपके इनएक्टिव बॉक्सेस, ये देखिए, इसकी भी हम जनरेट कर सकते हैं एक्सेल फाइल। यहाँ पे हम अपने टोटल बॉक्सेस देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक्टिव और इनएक्टिव दोनों शो होगा, ठीक है गाइस। प्री इन्वेंट्रीज क्या होती है? प्री इन्वेंट्रीज वो होती हैं, वो बॉक्सेस जो आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, या जो वॉइड हो चुके हैं। मतलब कि ये 6 VCs दिख रहे हैं आपको लिखे हुए, 6 count, इसका मतलब ये 3 VC हैं, ठीक है, इनकी STVID ये रही। मतलब कि ये कि अगर आप कोई सा भी बॉक्स किसी भी कार्ड में इजीली पेयर कर सकते हैं, लाइक जैसे इसका STVID ये है, ठीक है, सेकंड नंबर वाला, बट आपको ये नहीं मिल रहा है बॉक्स, ये मिल गया फर्स्ट नंबर वाला, तो आप इसको इसमें पेयर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये फ्री है, दोनों चीजें इसकी डिलीट हुई हुई है, तो कोई सा भी बॉक्स कोई से भी कार्ड में चल सकता है, मतलब, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं।
अब वीसी एक्सपायरिंग वो वीसीज जो हमारे आने वाले 7 दिन में एक्सपायर हो रहे हैं, उसकी लिस्ट आपको एक्सपायरिंग वीसीज में नजर आ जाएगी कस्टमर के नाम के साथ। ठीक है, लाइक एक्सपायर हो रहा है 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 21 में। आप इसकी भी एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक्सेल फाइल जनरेट करने से क्या होगा, आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा वीसी मेरा एक्सपायर हो रहा है, किसको मैं रिन्यू करूं, किसको मैं रिचार्ज करूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, अब हम इजीली यहाँ से कोई भी नंबर कॉपी करेंगे। जैसे मुझे ये नीरज का बॉक्स ऑन करना है, तो मैं यहाँ से वीसी नंबर कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं अपना पैक मैनेजमेंट में जाके उसको रिचार्ज कर लूंगा या रिन्यू कर लूंगा, सिंपल। तो आपको बार बार इस पेज पे आने की जरूरत नहीं है, एक बार एक्सेल फाइल जनरेट करने के बाद। ठीक है गाइज, ये समझ में आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम बैक आ जाते हैं। तो गाइज, आपको डैशबोर्ड आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नंबर सेकंड, पैक मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम पैक मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। अब मैं इसको सर्च करता हूं। अब ये देखिए, कस्टमर की डिटेल यहां पर मुझे शो हो रही है और ये विनीत नाम से चल रहा है। अब हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कि ये हम विनीत नाम से नहीं, किसी और नाम से चलाएं। तो सिंपल, हमें यहाँ से मॉडिफाई कस्टमर डिटेल दिख रहा होगा एक ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नाम को चेंज कर लेंगे, डाल के XYZ कुछ भी डाल सकते हैं, हम उसका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी डालो या ना डालो कोई मैंडेटरी नहीं है। जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है सिर्फ वो फील्ड मैंडेटरी है, जैसे एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ से हम इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं मेन टीवी की साइड, मेन टीवी। ठीक है, यही हमारा वो पेज है जहाँ से हमें अपना काम करना है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है डीएक्टिवेट का। डीएक्टिवेट यानी अगर हमारा कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है और आप उसको टाइम से पहले, उसके रिचार्ज टाइम से पहले ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर रीजन डाल दें, पेमेंट नॉट रिसीव्ड बाय कस्टमर, देन इसको कंफर्म कर दें, ये सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर एक्टिवेट आ गया है। ठीक है, तो बॉक्स ऑन करने के लिए हम यहाँ से सिंपल एक्टिवेट पे जाएंगे और पेमेंट रिसीव्ड बाय कस्टमर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हम यहाँ से सर्विस को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है गाइज, अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, टर्मिनेट। टर्मिनेट यानी कि हम बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा बॉक्स खराब हो गया है या उसका कार्ड खराब हो गया है। ठीक है, मतलब डैमेज हो गया है बॉक्स, फॉल्टी हो गया है। तो टर्मिनेट पे हम अगर क्लिक करते हैं और यहाँ रीजन देते हैं, कस्टमर जैसे शिफ्ट हो गया है डिफरेंट लोकेशन पे, कस्टमर रिक्वेस्ट शिफ्टेड टू DTH, या कोई सर्विस इशू है, या प्राइस इशू है, या अदर्स, तो हम यहाँ पे कोई भी ले लेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे तो बॉक्स हमारा डिलीट हो जाएगा। और ये डिलीट होकर कहाँ जाएगा, फ्री इन्वेंट्रीज में, जो मैंने आपको डैशबोर्ड में दिखाया था ना फ्री इन्वेंट्रीज, ये वहां पे चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बॉक्स को अपने टर्मिनेट या डिलीट या अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, रीट्रैक। रीट्रैक मीन्स
जैसे सपोज आपके बॉक्स पे, कस्टमर के बॉक्स पे एरर 11 आ जाता है, या एरर 14 आ जाता है, एरर 6 आ जाता है कभी कभी, तो रीट्रैक के ऑप्शन से हम सेटअप बॉक्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, सर्विस रिट्रैक सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा बॉक्स जो होगा या जो भी उस पर सर्विस चल रही होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी और बॉक्स आपका ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं स्वैप एसटीबी की साइड। स्वैप एसटीबी मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखी है, यानी कि स्वैप एसटीबी यानी कि आपका कार्ड कैसे पेयर होगा, इसकी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि कैसे हम अपने कार्ड को पेयर करें या स्वैप करें। स्वैप में एक चीज और है कि अगर आपका कार्ड खराब हो चुका है, ठीक है, बॉक्स खराब या फिर बॉक्स ही खराब हो गया है और उस पे प्लान चल रहा है, कोई भी प्लान हो सकता है, गोल्ड पैक, सिल्वर पैक या डायमंड पैक, तो उस प्लान को हम दूसरे बॉक्स पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो वो भी हम स्वैप एसटीबी से कर सकते हैं। इसकी फुल वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, मैंने वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए अब फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं, कस्टमर रिसिप्ट। यहाँ से हम कस्टमर को रिसिप्ट भी दे सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने रिसिप्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मेरी रिसिप्ट डाउनलोड हो गई। ये देखिए गाइस, ये मेरा कस्टमर का नाम आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, एड्रेस आ गया है, ईमेल आईडी आ गई है, कौन सा उसने पैक ले रखा है, कितना उसका पेमेंट है, ये सब दिखेगा यहाँ पर। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल कैंसिल। ऑल कैंसिल मींस जितने हमारे पैक लगे हुए हैं, बाई चांस हम कभी कैंसिल करने की जरूरत पड़ जाए, तो आप ऑल कैंसिल पे जाके जितने भी हमारे पैक लगे होंगे आप सबको एक साथ कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक एक करके कोई कैंसिल करना है, सपोज आपने ब्रॉडकास्टर लगा रखे हैं या एला कार्टे लगा रखे हैं, तो आप एक्शन में जाएंगे और सिंपल यहां से कैंसिल कर देंगे एक एक करके, ठीक है, नहीं तो आप ऑल कैंसिल पे क्लिक करके भी पूरा कैंसिल कर सकते हैं। अब आते हैं मैनेज एक्सपायर्ड प्लान। इसमें हम क्या देखेंगे अपना कि जो आपका पैक चल रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें, जैसे हम रिचार्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम मैनेज एक्सपायर्ड प्लान में जाकर ये मैनेज कर सकते हैं कि जैसे हमने नॉर्थ गोल्ड पैक लगा रखा है, इसके साथ हमने जी का पैक लगा रखा है या सोनी का या एक्स वाई जेड कोई सा भी पैक लगा रखा है और आगे हमें उसको रिचार्ज नहीं करना है, तो आप मैनेज एक्सपायर्ड प्लान में से उसी पैक को रिचार्ज कर सकते हैं जो उस पैक को आप चाहते हैं आगे रिचार्ज करना। अब आते हैं क्विक रिचार्ज पर। क्विक रिचार्ज यानी कि अगर बॉक्स आपका बंद है, यानी कोई बॉक्स आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, कोई एक बॉक्स मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से डैशबोर्ड से, सपोज मेरा यही बॉक्स है, अब मैं इसको रिचार्ज करना चाहता हूँ। जैसे ही आप क्विक रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपका प्लान चल रहा होगा, जो बंद हुआ होगा, आपका पैक एक्सपायर हुआ होगा, वो इजीली यहाँ से पूरा का पूरा पैक आपका चल जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिचार्ज हो जाएगा एज इट इज जो चल रहा था। अगर आपका कस्टमर आपको कहता है कि मुझे गोल्ड पैक नहीं चाहिए, आगे मैं प्लेटिनम पैक पे या डायमंड पैक पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो आप क्विक रिचार्ज का यूज ना करें उस कंडीशन में, अगर कस्टमर चाहता है कि प्लान को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा ऐड प्लान पे जाएंगे। ऐड प्लान पे क्लिक करके यहाँ से हम जितने भी हमारे पैक्स हैं यहाँ से दिख जाएंगे आपको, जो आपको लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सपोज कस्टमर जो है प्लेटिनम पैक मांग रहा है, तो आपको यहाँ से प्लेटिनम पैक पे क्लिक करना है,
और कस्टमर इसके साथ एक चीज और डिमांड करता है कि इसके साथ मुझे दो ब्रॉडकास्टर पैक और चाहिए या फिर मुझे चार या पांच चैनल अला कार्टे से चाहिए। तो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्थ प्लैटिनम को ही ऐड करना है। जैसे ही वो ऐड हो जाए सक्सेसफुल, तब आपको फिर से दोबारा चैनल लगाने के लिए ऐड प्लान पे क्लिक करना है। ऐड प्लान पे क्लिक करके ब्रॉडकास्टर बुके में जाना है या एला कार्टे में जाना है या ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करके आपको ब्रॉडकास्टर एला कार्टे दोनों नजर आएंगे। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आपको पैक के साथ ब्रॉडकास्टर और एला कार्टे भी लगाने हैं तो आप एक साथ कोशिश मत करें लगाने की। सबसे पहले डेन बुके लगाएं, उसके बाद लगाने के जब लग जाए वो, उसके बाद आपको ब्रॉडकास्टर लगाना है, देन आपको एला कार्टे लगाना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वही एक्टिव ईसी नंबर डाल देता हूँ, एक जो मैंने इससे पहले डाला था। अब ये देखिए, क्विक रिचार्ज समझ में आ गया आपके। अब ऑटो रिन्यू, ऑटो रिन्यू मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर कभी भी उसका पैक बंद ना हो, कभी उसका बॉक्स एक्सपायर ना हो कि उसको रिचार्ज कराने की ज़रूरत पड़े, या कस्टमर ही आपको कहता है कि मेरा बॉक्स कभी भी बंद ना हो, ठीक है, तो आपको ऑटो रिन्यू का इस्तेमाल करना है इसमें। ऑटो रिन्यू कैसे करना है, ऑटो रिन्यू पे जाते हैं। ये देखिए ऑटो रिन्यू ऑफ दिख रहा है ना, यहाँ से इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ओके करना है। ये देखिए ऑटो रिन्यू सक्सेसफुल हो गया है हमारा, ये ऑन हो गया है। अब जैसे ही 18 सितंबर 2020 आएगा, ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। बट इसमें आपको क्या करना है, अपना वॉलेट मेंटेन करना है, यहाँ पर आपका पैसा अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो वो बॉक्स रिन्यू नहीं होगा। और अगर थोड़ा पैसा पड़ा होगा तो आपका नेगेटिव में चले जाएगा पैसा, ठीक है, और वो बॉक्स चल जाएगा। और अगर कस्टमर आप हटाना चाहते हो ऑटो रिन्यू पैसे, तो सिंपल इसको डिजेबल कर दें। ये देखिए ऑफ हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम एड प्लान, आपको समझ में आ गया है। जैसे हम इस पैक को रिन्यू करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि 18 सितंबर में बंद हो, ऑटो रिन्यू पे भी नहीं डालना चाहते, बट इसको रिन्यू करना चाहते हैं, तो रिन्यू कहाँ से करें, ऑल रिन्यूअल पे क्लिक करें, देन यहाँ से सबमिट कर दें, तो हमारा ये बॉक्स रिन्यू हो जाएगा। अगर आप ऑल रिन्यूअल पे करते हैं तो जो आपके पैकेजेस और लगे हुए होंगे, जैसे ब्रॉडकास्टर या एला कार्टे लगा हुआ होगा, तो वो भी रिन्यू हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं खाली गोल्ड पैक को ही रिन्यू करूं, ब्रॉडकास्टर को ना करूं, तो आप एक्शन में जाएं और सिंपल यहां से इसको रिन्यू कर दें, तो आपका बस गोल्ड पैक ही रिन्यू होगा। 18 सितंबर से ये तारीख चली जाएगी 30 दिन आगे, और बाकी के 18 सितंबर में बंद हो जाएंगे। अब आते हैं हम एक्शन में। एक्शन में हम बॉक्स को रिन्यू कर सकते हैं, पैक को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें इस पैक को हटाना है, कैंसिल करना है, बॉक्स हमारा खराब हो गया है, बट हमारा पैसा लगा हुआ है बॉक्स पे, तो हम यहाँ से सिंपल इसको कैंसिल कर देंगे। जितने दिन का पैसा आपका बचा हुआ होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, चेंज कस्टमर बीच में डिमांड करता है आपको कि भाई 15 दिन हो गए सपोज, ठीक है, तो गोल्ड पैक लगा हुआ है। अब कस्टमर कह रहा है मुझे तो प्लेटिनम पैक चाहिए, मुझे गोल्ड पैक नहीं चाहिए, ठीक है, 15 दिन बाद कह रहा है कस्टमर, ध्यान देना इस बात पे। अब क्या करना है, हमें पैक को चेंज करना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम पैक चेंज करते हैं तो हमारी जो डेट होती है वो वहीं से उठा लेता है, उसी दिन से जहां से हम पैक को चेंज कर रहे हैं, जिस दिन हम पैक को चेंज कर रहे हैं वहीं से 30 दिन आगे बढ़ा देता है। लेकिन उसमें यह होता है कि जो आपका 15 दिन का पैसा बचा है
वो आपके वॉलेट में आ जाता है और कस्टमर को आपको 15 दिन का पैसा लौटाना होता है। कस्टमर को आप बता सकते हैं कि अगर आप पैक चेंज कराना चाहते हैं तो आपका इतना पैसा 15 दिन का बचा हुआ है, या तो आप ये वापस ले लीजिए या आप मुझे बाकी पैसा जो मेरा प्लेटिनम पैक में लगेगा, ठीक है, उतना आप मुझे पैसा दे दीजिए। आपका 15 दिन का हमारे पास आया हुआ है, उससे थोड़ा पैसा लेके आप, मतलब जितना उसका 15 दिन का बनता है, आप उसको रिचार्ज कर दें, चेंज कर दें प्लान को, ठीक है, तो आपका भी रिफंड हो गया अमाउंट, उसका भी रिफंड हो गया अमाउंट, ठीक है, और पैक का पैसा पूरा आ गया आपका। अब डेट उसकी 1 महीना आगे चली गई, ठीक है। तो ये हुआ एक्शन का काम, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपके। तो पैक मैनेजमेंट से हम बाहर आ जाते हैं, पैक मैनेजर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम बैलेंस मैनेजमेंट। बैलेंस मैनेजमेंट में हम अपना पैसा डालते हैं अपने वॉलेट में ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, जहां से हमें पैसा ऐड करना है। अब ये देखिए अकाउंट में, यहाँ पे हम अपना अमाउंट डालेंगे, सपोज में 1000 रुपीज डालने हैं। रिमार्क में हम कुछ भी डाल सकते हैं याद रखने के लिए कि हमने 1000 रुपीज किस लिए डाले थे। सपोज में 20 बॉक्सेस रिचार्ज करने हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20 बॉक्सेस रिचार्ज, स्टार्टिंग में लिख दो फॉर, ठीक है। यहाँ रिमार्क हम कुछ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डालें। दो ऑप्शन है हमारे पास, पेयू और पेटीएम। तो जैसे हम पेयू से क्लिक करते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं, तो हमें ये पेमेंट गेटवे का वो ऑप्शन आ जाता है कि जो चार्जेस हमारे लगते हैं, तो यहाँ पे हमें पहले दिखा देता है, जैसे डेबिट कार्ड रुपए, जिस कार्ड पे रुपए लिखा होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कार्ड होता है जिस पे रुपए लिखा होता है। किसी किसी भाई को नहीं पता इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये होता है रुपए का कार्ड, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रुपए लिखा हुआ है, ये होता है रुपए का कार्ड। तो अगर हमारे पास ये वाला डेबिट कार्ड है तो इससे हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आप इजीली उससे पेमेंट डाल सकते हैं अपने वॉलेट में, ठीक है। अगर आपका कार्ड डेबिट कार्ड वीजा है, लिखा हुआ रुपए की जगह मास्टर है या मेस्ट्रो है, तो आपका इसमें चार्जेस कटता है, ठीक है। अगर आपके पास यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे, क्यूआर कोड या यूपीआई का कोई सा भी पेमेंट मोड, ठीक है, तो आप वहां से डालेंगे, वहां से भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है गाइज। यहां से देन कंफर्म करके हम पेमेंट डाल सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि हम आईएमपीएस से भी पेमेंट डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पैसा फास्ट भी आता है और हमारा पैसा कभी कटता भी नहीं है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप सबके पोर्टल्स में यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है आईएमपीएस की, कैसे कैसे आईएमपीएस को कर सकते हैं हम। यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दे रखा है, ठीक है, आईएफएससी कोड दे रखा है, बैंक का नाम दे रखा है, ब्रांच नेम दे रखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक बार ऐड करना होता है अपने उसमें बैंक की एप्लीकेशन में, एक बार ऐड करना होता है, देन आप वहीं से ही पेमेंट को डाल सकते हैं, पोर्टल खोलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आईएमपीएस करा पेमेंट, अपना अकाउंट नंबर एंटर किया और आपका पेमेंट आपके वॉलेट तक पहुंच गया, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं। अब आते हैं बल्क मैनेजमेंट में। बल्क मैनेजमेंट यानी कि एक साथ एक से ज्यादा, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, बॉक्स करने हैं एक साथ, तो हम बल्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बल्क ट्रांजेक्शन। बल्क ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये देखिए गाइस, ये है हमारा बल्क ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि मैं आपको पहले डाउनलोड करके दिखा देता हूँ टेम्पलेट। सबसे पहले हमें यहाँ से टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है।
ये खुल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी मींस जो कस्टमर का अकाउंट नंबर है, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए गाइस, ये है कस्टमर आईडी या कस्टमर अकाउंट नंबर, ठीक है। अब हमें एक्सेल फाइल में इसको डालना है, ये डाल दिया मैंने। अब वीसी आईडी मांग रहा है, तो वीसी आईडी में हम क्या डालेंगे, जो वीसी नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने वीसी आईडी डाल दी। एलसीओ कोड, आपका एलसीओ कोड यानी कि आपका यूजर नेम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम भी डाल दिया है, ठीक है। अब प्लान नेम पूछ रहा है, अब मैं बता देता हूँ बल्क ट्रांजैक्शन क्या काम करता है। बल्क ट्रांजैक्शन बेसिकली रिचार्ज करने का काम आता है, पैक्स लगाने का काम आता है। जैसे मैं बल्क में 50 कस्टमर को गोल्ड पैक देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर की आईडी टाइप कर दी 50, ठीक है, कस्टमर की वीसी नंबर डाल दिए, एलसीओ कोड अपना वही कॉपी करके अपना 50 तक ले गया हूँ मैं, जैसे सपोज यहाँ तक ले गया मैं 50 तक, ठीक है। प्लान नेम मुझे गोल्ड पैक लगाना है। अब एक चीज पे ध्यान दें, कोई कोई क्या करता है, गोल्ड पैक ऐसे लिख दिया, बट ऐसे नहीं लिखना है, हमें क्या करना है। अब देखिए मैं इस पर गोल्ड पैक ही लगा हुआ है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आपको अपने पैक्स अपने एक्सेल फाइल में कहीं लिख लिख के रखने होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे पैक लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही वहां पे लिखना है, तभी वो काम करेगा। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने जैसे पैक लिख दिया, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, बल्क मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे पूरे 11 पॉइंट्स दे रखे हैं कि कैसे कैसे हमें ये ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। जैसे फिल इन द रेवलेंट फील्ड्स, वीसी मैक आईडी फील्ड शुड हैव 12 करेक्टर्स, यानी कि जो आपकी वीसी नंबर है उसके जो जीरोज हैं वो लगे होने चाहिए, ठीक है। देखिए, प्लीज कैप्चर ऑल द प्रोसीडिंग जीरोज, ठीक है। प्लान नेम इन द फील्ड शुड करेक्ट, यानी कि जो प्लान नेम आपका दिख रहा है वहां पे, हमें वही प्लान नेम टाइप करना है वहां पे, अपनी साइड से नहीं करना है। जैसे हमने रैंडमली कोई भी डाल दिया, जैसे सिल्वर पैक, गोल्ड पैक, ठीक है, जी पैक, ऐसा कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। अगर इनकरेक्ट होगा प्लान नेम तो वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कट जाएगा, वो फेल्ड ही हो जाएगा, ठीक है। यूज द राइट एक्शन कोड्स। अब ये देखिए मैं दिखाता हूं एक्शन कोड, यानी कि यहां पर अगर हम टाइप करते हैं ए, तो ए का मतलब होता है ऐड, यानी कि अगर मुझे गोल्ड पैक ऐड करना है तो मैं यहां पे सिंपल ए लिखूंगा, ऐड नहीं लिखूंगा, ए लिखूंगा, ठीक है। आर का मतलब रिन्यू, ठीक है, मैं रिन्यू करना चाह रहा हूं पैक, तो मैं ए की जगह आर लिख दूंगा। अगर मेरा ये पैक सपोज चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, और मैं यहां से रिन्यू करना चाहता हूं, तो मैं ए की जगह आर लिख दूंगा, तो मेरे ये बल्क में रिन्यूअल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको सिक्स ऑप्शन। रिन्यूअल फ्लैग कैन बी वाई और एन। रिन्यूअल फ्लैग यानी कि आप अपने इस कस्टमर को ऑटो रिन्यू पे ले जाना चाहते हैं यहीं के यहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे वाई लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ वाई लिख देंगे तो ये हमारा ऑटो रिन्यू पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ अगर ऑलरेडी वाई लिखा हुआ था, मतलब ऑलरेडी ऑन हुआ हुआ है, तो हम यहाँ से इसको एन करके हटा भी सकते हैं, ठीक है गाइज। अब जैसे मैंने गोल्ड पैक लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, अब मुझे 50 के 50 को गोल्ड पैक देना है,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने नंबर टाइप कर दिए थे, ये तो मैंने एक इसी को कॉपी कर दिया है, आपको यहाँ पे अपने अलग अलग बीसी नंबर टाइप करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे आपका कोई कस्टमर गोल्ड पैक के साथ कुछ और चैनल लेना चाहता है, तो आपको क्या करना है, उसी सेम वीसी और उसी कस्टमर आईडी को 4-5 बार कॉपी करना है, जितने चैनल उसको लगाने हैं। गोल्ड पैक के साथ उसको सपोज सोनी चाहिए, सोनी लगा दिया, जी टीवी लगा दिया, जी सिनेमा लगा दिया, या एक्स वाई जेड कुछ भी लगा दिया, आप यहाँ पे उतनी ही बार नंबर टाइप करेंगे जितनी बार जितने चैनल आपको देने हैं। एक्शन में यहाँ पे ए टाइप कर देंगे, ठीक है गाइस। देन इसको सेव कैसे करना है, इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, 7th ऑप्शन पे आ जाइए, सेव द एक्सेल फाइल एज टेक्स्ट टैब डी लिमिटेड फाइल। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। अब हमें सबसे पहले इसको यहाँ से हटाना होगा, ये दिख रहा है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, इसको बोलते हैं हेडर्स। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये हमने डिलीट कर दिया। अब हमें इस फाइल को सिंपल सेव नहीं करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। अब सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, एक्सेल वर्कबुक सेव एज टाइप, एक्सेल वर्कबुक पे जाके मैंने आपको दिखाया था टेक्स्ट टैब डी लिमिटेड फाइल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से सर्च करेंगे, ये देखिए गाइज, ये रहा। ठीक है गाइज, इस पे हमें क्लिक करना है, देन इसको यहां से सेव कर देना है। अगर आप इसको नॉर्मली सेव करते हो तो ये अपलोड नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अब हम यहां से इसको चूज करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, जिस नाम से हमने फाइल सेव कर रखी है उस फाइल को उठाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, ये मैंने सेव करी थी, इसको मैंने ओपन किया। अब जैसे ही मैं अपलोड करता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं अपलोड करता हूं, तो जो वीसी नंबर मैंने वहां डाल रखे हैं उसका अमाउंट मेरे इसमें वॉलेट में होना चाहिए। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा, मेरा 1 मिनट में जितने भी मैंने लगाए होंगे वो सारे रिचार्ज हो जाएंगे उसी पैक पे, उसी प्लान पे जो आपने वहां पे एंटर किया होगा। ठीक है गाइज, ये है हमारा बल्क ट्रांजेक्शन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। बल्क रिन्यूअल, बल्क रिन्यूअल यानी कि आप एक एक करके अपने बॉक्स को यहाँ पे वीसी वाइज रिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, 14 ही है, ठीक है, और टू डेट में मैं डाल देता हूँ 22। ठीक है, अब यहां से मैं सबमिट करता हूं, तो हमारे ये पैकेजेस और नाम लिखे हुए आ गए हैं। अगर मुझे यहां पे सबको रिन्यू करना है जितने ही मेरे पैक्स हैं, तो मैं यहां से सिलेक्ट ऑल करूंगा, सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहां से इसको प्रोसीड कर दूंगा, तो मेरा ये पूरा पूरा रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक एक करके भी रिन्यू कर सकते हैं। वापिस आ जाते हैं, बल्क एक्टिव और डीएक्टिवेट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही डाउनलोड करनी है फाइल, टेम्पलेट डाउनलोड करना है, ये देखिए गाइस, ये देखिए, यहाँ पे वही हमें अकाउंट नंबर टाइप करना है, वीसी नंबर टाइप करना है, और यहाँ पे हमें उसका रीजन देना है, जैसे सपोज मैं पेमेंट नॉट रिसीव्ड बाय कस्टमर ही देना है, बाकी को मैं हटा दूंगा। एलसीओ कोड डालना है, और डीए का मतलब डीएक्टिवेट, और आरए का मतलब रीएक्टिवेट। ठीक है, तो
तो जैसे हमें कोई बॉक्स एक्टिवेट करना है तो आर ए टाइप कर दें, डीएक्टिवेट करना है तो डी ए टाइप कर दें। वापस से हम फाइल सेव एज पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, डाउनलोड में करनी है, वहाँ पे आप उसको सेव एज पे जाएंगे। इसका टाइप हम टैब डेलिमिटेड कर देंगे और सेव कर देंगे, देन इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हुआ हमारा बल्क एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन फाइल अपलोड। वापस आ जाते हैं, बल्क ऑटो रिन्यूअल, अपने बॉक्सेस को ऑटो रिन्यूअल पे डालना अपने कस्टमर्स को। तो इसमें भी हमें यही करना है, टेम्पलेट्स डाउनलोड करना है कस्टमर को ऑटो रिन्यू पे डालने के लिए। इनेबल कर देते हैं, वही यहाँ पे हमें सिंपल अकाउंट नंबर लिखना है, वीसीआईडी लिखनी है, एलसीओ कोड लिखना है और फ्लैग में वाई लिखना है। दिखा देता हूँ, देखो, सेट द फ्लैग एज पर योर रिक्वायरमेंट, दैट इज वाई फॉर एक्टिवेट ऑटो रिन्यूअल एंड एन फॉर रिमूवल ऑफ ऑटो रिन्यूअल। यानी कि अगर हम वाई टाइप करते हैं यहाँ पर फ्लैग में तो हमारा ये ऑटो रिन्यू हो जाएंगे डिब्बे जितने हम डालेंगे बॉक्सेस को। तो हम यहाँ से इसको वही हम रिमूव कर देते हैं, हर बार इसको यहाँ से रिमूव करना है हेडर्स को, तभी फाइल सेव करनी है। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा ऑटो रिन्यूअल। अब मैं आपको दिखाता हूँ और बल्क में क्या है, और बल्क में वीसी वाइज बल्क रिन्यूअल है। ठीक है, मतलब आप बल्क में भी अपने वीसीज को रिन्यूअल कर सकते हैं। जैसे सपोज आज आपके 7 बॉक्स बंद होने वाले हैं, तो हम इसको रिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें सिंपल वीसी नंबर टाइप करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीसी नंबर टाइप करना है। ना हमें यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना है, ना कोई रीजन देना है, ना कोई फ्लैग टाइप करना है, ना कोई एक्शन टाइप करना है, सिर्फ वीसी नंबर टाइप करना है और फाइल अपना उसी में टैब डेलिमिटेड में सेव करनी है, देन यहाँ से चूज करके अपलोड कर देंगे। तो आपके जो बॉक्सेस आज बंद होने वाले होंगे वो रिन्यू होके 30 दिन आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो 1 महीना आगे हो गए तो आपके बॉक्स रिन्यू हो गए। तो ये हुआ हमारा बल्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में हमारी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं रिपोर्ट्स के ऑप्शन में, तो मैं सबसे पहले रिसिप्ट एंट्री रिपोर्ट से स्टार्ट करता हूँ। रिसिप्ट एंट्री रिपोर्ट यानी कि जो हमने पैसा डाला अपने वॉलेट में, कब कितना डाला, ठीक है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, कब कितना डाला, किस मोड से डाला। ठीक है, डेबिट कार्ड से डाला या ऑनलाइन डाला या आईएमपीएस किया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने 1 सितंबर से और 14 सितंबर के बीच कितना पैसा इसमें डाला है। यहाँ से मैं सबमिट करूँगा और यहाँ से मुझे ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगी। जैसे मैंने 11 सितंबर में 352 रुपीज़ डाले, किस मोड से डाले ये दिख रहा है, टॉपअप किया मैंने। ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी भी आ रही है, HDFC से IMPS किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे इतने पैसे डाले ऑनलाइन डाले हैं, यहाँ इतने डाले हैं HDFC IMPS, ये इतने ऑनलाइन डाल रखे हैं, सब ऑनलाइन दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी फाइल को एक्सेल में जनरेट भी कर सकते हैं, CSV में भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी टॉप अप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी कि आपने आज कितना काम किया या कल कितना काम किया या आपने 7 दिनों में कितना काम किया, कितने कितने पैसों का पैक लगाया, किस किस कस्टमर का रिचार्ज किया, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ 1 तारीख से लेके मैंने 7 तारीख के बीच में कितने रिचार्ज किए, कितने पैसों की एक्टिविटी करी। अब मैं सर्च करता हूँ तो अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इतना अमाउंट
एक्टिविटी करी है मैंने इतने अमाउंट की, 68 काउंट दिख रहे होंगे। ये 68 काउंट जो होते हैं ये वीसी नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये होता है जैसे कि हमने किसी बॉक्स पे एला कार्टे लगा रखे हैं या ब्रॉडकास्टर्स लगा रखे हैं, तो ये एक्टिविटी काउंट है बेसिकली, ठीक है। अगर हमें ये देखना है कि हमने कितने वीसी रिचार्ज किए हैं, तो हम अपनी यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे, या तो आप यहां से देख लें या फिर आप एक्सेल फाइल जनरेट कर लें। अब दिख रहा होगा आपको कि मैंने विशु रिचार्ज किया है, विशु नाम के कस्टमर का, ठीक है। यहाँ मैंने बेसिक पैक लगाया है और मैंने गोल्ड पैक लगाया है। फिर मैंने भूपेंद्र सिंह का रिचार्ज किया है, इस पे मैंने गोल्ड पैक लगाया है। संजय का रिचार्ज किया, इस पे मैंने गोल्ड पैक लगाया। तो ये ऐसे करके हमारी पूरी ट्रांजेक्शन आ गई, ठीक है गाइज। वापस आ जाते हैं, एलसीओ पार्टी लेजर रिपोर्ट, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें भी हमें वही सेम ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। या अगर हमारा मतलब जैसे हमने देखो कस्टमर ट्रांजैक्शन किया है, ये भी यहाँ पे हमें अपने टॉप अप्स दिखेंगे, ठीक है। हमने कौन सा काम किया, किस कस्टमर पे किया, वो दिखेगा। और हमारा मतलब कितना कितना पैसा हमारा कटा डिडक्ट हुआ वो दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलसीओ पार्टी लेजर रिपोर्ट। अब आते हैं ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च यानी कि जो हमारा इससे पहले डेन एमजी का पोर्टल चलता था, तो ग्लोबल सर्च उसके अंदर वीसी लुकअप के नाम से थे, ठीक है। वीसी लुकअप एक ऑप्शन था, तो हमें वो वीसी लुकअप नाम चेंज कर उसका ग्लोबल सर्च कर दिया है। ये हमारा वीसी लुकअप ही है। यहाँ पे हम वीसी नंबर एंटर करते हैं, जैसे हमारा कोई बॉक्स कस्टमर नॉट फाउंड दिखाता है, तो हम देखना चाहते हैं कि कस्टमर किस किस ऑपरेटर के पोर्टल पे है, तो हम यहाँ से सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ, तो ये मेरी पूरी डिटेल आएगी कि बॉक्स मेरा एक्टिव है, डीडीपीओ पैक लगा हुआ है, इसका प्लान स्टेटस अकाउंट नंबर ये है, वीसी नंबर ये है, एसटीपी आईडी ये है इसकी, एसटीपी सीरियल नंबर ये हो गया हमारा, ठीक है। मॉडल ये हो गया, एलसीओ कोड ये दिख गया हमारे पास, ठीक है। जो हमारा पुराना कोड चलता था वो भी दिख गया है, ठीक है। और कौन से एलसीओ के पोर्टल पे है वो भी दिख गया है, किस सिटी में लगा हुआ है वो भी दिख गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल सर्च। अब आते हैं फ्री इन्वेंट्रीज। फ्री इन्वेंट्रीज वही वापस जो हमारे डैशबोर्ड में दिख रहा है, फ्री इन्वेंट्रीज उसकी डिटेल हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड लेजर डंप रिपोर्ट, ओल्ड लेजर डंप रिपोर्ट यानी कि वो रिपोर्ट जो हमारा जब ये हमारा पोर्टल तैयार हुआ, डेन डिजिटल पोर्टल नया वाला, इससे जो पहले का डाटा है जो डेन एमजी में था हमारा डाटा, ठीक है। ये तो हमारा जुलाई के मंथ में स्टार्ट हुआ है ये पोर्टल, तो जो इससे पहले हमारा डेन एमजी का डाटा था, हम वो कहाँ से सर्च करें? तो हमें वो यहाँ पे मिलेगा ओल्ड लेजर डंप रिपोर्ट में। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मई में मैंने कितना काम किया था, तो मैं यहाँ से मई की डेट डाल देता हूँ, 1 मई। 1 मई से मैंने और 31 मई तक कितना काम किया, क्या क्या लगाया, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा ये डाउनलोड हो गया डाटा। अब मैं इसको डाटा को खोल लेता हूँ। ये देखिए गाइस, ये पूरा डाटा आ गया है मेरे पास। ये मैंने कौन कौन से वीसी नंबर 1 मई से लेके 31 मई तक चलाए हैं, इसकी पूरी डिटेल मेरे सामने आ गई है, ठीक है। क्या क्या लगाया, कितना उस टाइम पे ओपनिंग बैलेंस था, कितना क्लोजिंग बैलेंस था, कितने मैंने पैसे इसमें खर्च किए हैं, तो यहाँ से हम सब देख सकते हैं। डोंट सेव कर देता हूँ। तो ये हुआ हमारा ओल्ड लेजर डंप रिपोर्ट, ठीक है। और इसके अंदर रिपोर्ट्स में हम आते हैं पेमेंट गेटवे स्टेटस। आजकल क्या चल रहा है कि हमारा जो पेमेंट है,
जैसे हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं, फोन पे से पेमेंट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पेमेंट बैंक से तो कट जाता है बट हमारे वॉलेट में नहीं आ पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट गेटवे स्टेटस पे आते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं। जैसे सपोज मैंने 9 में कुछ पैसा डाला, ठीक है, और वो फेल्ड हो गया या सक्सेस हुआ, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे ये फेल्ड हुई हुई है ट्रांजेक्शन, ठीक है, बट ये बाद में सक्सेस हो गई थी। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पे फेल्ड आ रहा है लिखा हुआ, तो दो बातें हैं, या तो पोर्टल में पैसा आएगा आपका या आपके बैंक में रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे आता है इनिशिएटेड, तो इनिशिएटेड का मतलब है कि यहाँ से ये पेज जब खुलता है ना पेमेंट गेटवे स्टेटस का, तो रिफ्रेश हो जाता है यहाँ से पूरा ये पेमेंट का जो होता है, पेज जो होता है पेमेंट का, वो रिफ्रेश हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट में आपका पैसा वॉलेट में आ जाता है। तो आप यहाँ से एक्टिविटी अपनी चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा सक्सेसफुली हो गया है या फिर पेंडिंग में है, या फिर आपका इनिशिएटेड में है, या फिर आपका फेल्ड हो गया है। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है गाइस, प्लान एक्सपायरी रिपोर्ट। प्लान एक्सपायरी रिपोर्ट यानी कि हम देख, जैसे मैंने वहां पे दिखाया था आपको डैशबोर्ड में वीसी एक्सपायरिंग, ठीक है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे 3 दिन में कितने बॉक्स एक्सपायर होने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और 14, 15, 16, 17, 17 तारीख तक मेरे कौन कौन से वीसी एक्सपायर होने जा रहे हैं, तो वो हमें यहाँ दिख जाएंगे। जैसे दिख रहा है 1, 2, 3, 3 बॉक्स मेरे इन 3 दिन में एक्सपायर होंगे, तो मैं यहाँ से डिटेल उठा लूंगा और कॉपी करके इनको रिन्यू कर लूंगा। ठीक है, तो इजीली हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये आप डैशबोर्ड में से भी देख सकते हैं, वहां भी दिख जाता है। बल्क ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अब आपने जो बल्क में ट्रांजेक्शन किया था, मैंने आपको बताया कि जैसे आप प्लान ऐड करते हैं, ठीक है, आपने किसी बॉक्स पे बल्क में ट्रांजेक्शन करा, 50 कस्टमर को 50 गोल्ड पैक दे दिए, या फिर किसी को कुछ दे दिया, ब्रॉडकास्टर दे दिया, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आप उसकी रिपोर्ट बल्क ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। किस तारीख में आपने बल्क किया वो तारीख डालें, सबमिट करें, वहां से आपको दिख जाएगा कि आपके कितने सक्सेस हो गए थे और कितने अनसक्सेस रह गए थे। ठीक है, तो वहां से आप अपना ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। कस्टमर ऑटो रिन्यूअल, कौन कौन से हमारे कस्टमर ऑटो रिन्यूअल पे डले हुए हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वीसी नंबर दिख जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे बॉक्सेस ऑटो रिन्यू पे डले हुए हैं। हम फाइल को एक्सेल में जनरेट भी कर सकते हैं। कस्टमर मास्टर रिपोर्ट। कस्टमर मास्टर रिपोर्ट यानी कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आप बल्क में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप एक एक करके तो अकाउंट नंबर नहीं उठाओगे कस्टमर का, ठीक है, एक एक करके वीसी नंबर तो नहीं उठाओगे, तो आपको क्या करना है, अपनी मास्टर रिपोर्ट को एक्सेल फाइल में जनरेट करके सेव रखना है, ठीक है, ताकि आपको एकदम से पता हो कि इस वीसी नंबर का अकाउंट नंबर ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीओ कोड पे क्लिक करते हैं और ये करंट सीएमआर यानी कि करंट कस्टमर मास्टर रिपोर्ट को जनरेट कर लेते हैं एक्सेल फाइल में। ये देखिए हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, इस जिप फाइल को खोलते हैं। ये देखिए, क्लोज करते हैं और यहाँ से हम इसको फाइल को खोल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा कस्टमर मास्टर रिपोर्ट। यहाँ पे हमारा पूरा डाटा है, पूरा, ठीक है, करंट मंथ का पूरा डाटा कि हमने अभी तक क्या क्या किया इस महीने में। ठीक है, ये सब वीसी नंबर, अकाउंट नंबर, देखिए सबसे पहले अकाउंट नंबर ही होगा कस्टमर का, ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे वीसी नंबर, सपोज इस वीसी नंबर का अकाउंट नंबर ये है, तो हमने यहाँ से वीसी नंबर उठा लिया बल्क के लिए और यहाँ से अकाउंट नंबर उठा लिया।
तो ये हमारा बेसिकली कस्टमर मास्टर रिपोर्ट है, डाटा है पूरा। डोंट सेव कर देते हैं। अब आते हैं गाइस ई कैफ, ठीक है। ई कैफ पे आते हैं। ई कैफ से हम क्या करते हैं, जो बॉक्स हमारा टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, या जो बॉक्स हमारा वॉइड हो गया है, कस्टमर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, या फिर हमें कस्टमर का पूरा डाटा ही चेंज करना है, उसके आधार से सबमिट करना चाहते हैं उसका डाटा, तो हमें क्या करना है, ई कैफ एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपका कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, तो मतलब जो चल रहा है कस्टमर, ठीक है, वो है, तो हम यहाँ पे सिंपल उसका वीसी नंबर डाल के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एक कैफ फॉर्म खुल के आएगा, मैं एक मिनट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यही बॉक्स ले लिया 6937540, सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ से इसका कैफ फॉर्म खुल के आ गया है। आप यहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये बॉक्स नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है, या फिर आपने इसको टर्मिनेट कर रखा है, तो हमें उसके लिए न्यू कस्टमर पे जाना पड़ेगा, यानी कि उसकी फ्रेश एक्टिवेशन करनी होगी, यानी कि नया कस्टमर ऐड करना होगा। तो हम यहाँ VCID डालेंगे, ठीक है, जो हमारे बॉक्स टर्मिनेट हुआ होगा उसकी। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे उसको पेयर करेंगे। जैसे ही हम पेयर करते हैं तो हमारा एक ऑप्शन आता है NDS नंबर, तो हम वहाँ पे NDS नंबर, यानी कि जो हमारा 5941 इससे स्टार्ट होता है, यानी कि सीरियल नंबर, तो हम उस सीरियल नंबर को वहाँ डालेंगे। उसके बाद हमारा वही कैप फॉर्म खुल के आ जाएगा, कस्टमर की डिटेल उसमें एंटर करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमारे से एक OTP मांगेगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, और जो आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला होगा उसके पास भी जाएगा। तो 4 डिजिट का OTP होगा, उस OTP को आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो मांगेगा आपसे कि आप उस पर कौन सा प्लान लगाना चाहते हो, या कौन सा प्लान आपको ऐड करना है। आपको प्लान पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो VCID आपकी टर्मिनेट हुई हुई होगी, या बॉक्स आपका डिलीट हुआ होगा, या वॉइड होगा, तो वो कस्टमर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा जिस प्लान पे आप उसको ऐड करना चाहते हो। ठीक है गाइज, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। बस गाइज, इसमें यही सारे ऑप्शन थे जो मुझे आपको समझाने थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आपको आज डैशबोर्ड बताया, पैक मैनेजमेंट बताया, बैलेंस मैनेजमेंट बताया, बैलेंस को ऐड करना बताया, बल्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बल्क ट्रांजैक्शन बताया, ऑटो रिन्यू बल्क बताया, रिन्यूअल बल्क बताया। तो फिर उसके बाद मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई। रिपोर्ट्स में मैंने जितने भी ऑप्शन हैं मैंने आपको सारी समझाने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने आपको फ्रेश एक्टिवेशन कैसे करना है कस्टमर को, ठीक है, उसका बताया। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो गाइज, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज, आपसे बहुत प्यार मिला मुझे, आप सभी ने मुझे काफ़ी पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपकी दुआ से आज मेरे 111 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं और आप मेरी वीडियोस देख के कुछ सीखें, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।